गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं प्लानिंग स्पोर्ट्स का थर्ड पार्ट टूर्नामेंट। टूर्नामेंट की मीनिंग देखते हैं। ए टूर्नामेंट प्रोवाइड गुड प्लेटफॉर्म टू डिस्प्ले द टैलेंट एंड परफेक्शन ऑफ स्किल टेक्निक टैक्टिस एंड स्ट्रेटजीज। टूर्नामेंट आल्सो प्रोवाइड इवेल्युएशन एंड कंपैरिजन ऑफ टीम। टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए सिविलाइज्ड वे with contain rule and regulation which every team has to follow। यहाँ पे टूर्नामेंट की एक अदर मीनिंग देखते हैं। टूर्नामेंट इज दैट सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स इन विच ए टीम फाइनली विन एंड रेस्ट ऑफ टीम लूज द मैच। टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट इसका है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। टूर्नामेंट जहाँ पे विभिन्न तरीके की टीमें आती हैं उनमें जो आपकी जिस भी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे अपने स्किल को डेवलप करने का मौका मिलता है। कुछ अच्छे खिलाड़ी होते हैं जो नई स्किल के साथ अपना परफॉर्मेंस देते हैं जिससे कि उसको देखकर उस स्किल को डेवलप करने का मौका मिलता है। सेकेंड है प्रोपोगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के इन्वायरमेंट को इंक्रीज करने के लिए टूर्नामेंट बहुत ही जरूरी है, जिसमें कि अपने स्पोर्ट्स को आगे की ओर ले जाने के लिए या उसमें अचीवमेंट पाने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। थर्ड है इसमें हेल्पफुल इन सेलेक्शन ऑफ प्लेयर। टूर्नामेंट के द्वारा कई टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जिससे कि सेलेक्शन होता है स्टेट टीम नेशनल टीम या इंटरनेशनल टीम में सेलेक्शन होता है प्लेयर्स का, और इन टूर्नामेंटों के माध्यम से ही प्लेयर्स की स्किल परफेक्शन टेक्निक टैक्टिस इसको देखते हुए उनका सेलेक्शन किया जाता है। फोर्थ है इसमें डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ पे अगर टूर्नामेंट की बात लें तो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो भाईचारे की भावना है वो अच्छी होती है, एक दूसरे के कल्चर को सीखते हैं। इस तरह से टूर्नामेंट मतलब सोशियोलॉजिकल रूप से भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। फिफ्थ है इसमें डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। जो भी प्लेयर हैं उनके अंदर सोशल क्वालिटीज डेवलप होती हैं। अगर एग्जाम्पल लें तो अगर नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है तो मान लीजिए हर स्टेट की टीम वहाँ पार्टिसिपेट करती है, प्लेयरों के साथ उनके कल्चर का उनके रहन सहन का उनके खान पान का आदान प्रदान होता है जिससे कि सोशल क्वालिटी डेवलप होती है। सिक्स है इसमें सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। टूर्नामेंट के द्वारा स्पेक्टेटर्स प्लेयर्स का रिक्रिएशन भी होता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट जो सब पॉइंट है फिक्स्चर। जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पे टीमों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और अगर इसकी फिक्स्चर की मीनिंग देखें द सक्सेस ऑफ टूर्नामेंट डिपेंड अपॉन सुटेबल फिक्स्चर। फिक्स्चर इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द टीम इन सिस्टमैटिक ऑर्डर इन वेरियस ग्रुप्स फॉर कॉम्पिटेटिव फाइट फॉर फिजिकल एक्टिविटी। स्पोर्ट्स के माध्यम से जो हम अपने ग्रुप या अदर टीम के साथ कंपटीशन करते हैं वहाँ पे टीम को सिस्टमैटिक आर्डर में अरेंज करना, ये फिक्स्चर होता है। अब देखते हैं टूर्नामेंट के टाइप्स। जनरली या मेनली रूप से मान ले तो चार टाइप के टूर्नामेंट होते हैं। फर्स्ट है इसमें नॉकआउट टूर्नामेंट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट। सेकेंड होता है लीग टूर्नामेंट या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। थर्ड है इसमें कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। फोर्थ है इसमें चैलेंज और रैंकिंग टूर्नामेंट। अब यहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में देखें तो नॉकआउट टूर्नामेंट तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल नॉकआउट, सेकेंड होता है डबल नॉकआउट, थर्ड होता है कंसोलेशन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट है सिंगल लीग, सेकेंड है डबल लीग। कम्बिनेशन टूर्नामेंट में नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट को मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि ये दो स्टेप के टूर्नामेंट होते हैं। अगर इसको देखें तो ये चार भागों में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है नॉकआउट कम नॉकआउट, फर्स्ट स्टेप में भी नॉकआउट होगा और सेकेंड स्टेप में भी नॉकआउट होगा। सेकेंड है नॉकआउट कम लीग,
पहले नॉकआउट टूर्नामेंट, उसके बाद सेकेंड स्टेप में लीग टूर्नामेंट, थर्ड है इसमें लीग कम लीग एंड फोर्थ है लीग कम नॉकआउट। अब देखें लास्ट चैलेंज या रैंकिंग टूर्नामेंट, ये इंडिविजुअल गेम्स में होते हैं जैसे कि जूडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्नूकर, बिलियर्ड्स, गोल्फ, इन तरह के गेमों में ये टूर्नामेंट ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये तीन तरीके के होते हैं, फर्स्ट है लैडर टूर्नामेंट, सेकेंड है पिरामिड टूर्नामेंट, थर्ड है कॉबवे। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, इस तरह के जो टूर्नामेंट के दिए गए हैं कि फिक्स्चर किस तरह से ड्रॉ होते हैं। सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट या कंसोलेशन टूर्नामेंट का फिक्स्चर एक ही तरह से ड्रॉ होता है। जहां तक लीग टूर्नामेंट का सवाल है, वहां पे तीन तरीके से ये फिक्स्चर बनाए जाते हैं। पहला होता है साइक्लिक मेथड, सेकेंड होता है टेबुलर मेथड, थर्ड होता है स्टेयरकेस मेथड। आज हम देखते हैं अपना फर्स्ट टूर्नामेंट का टाइप्स, नॉकआउट टूर्नामेंट। इट इज ए टूर्नामेंट इन विच ए टीम कंटिन्यू टू प्ले फर्दर मैच एज पर शेड्यूल टिल डिफीटेड, ए टीम गेट्स एलिमिनेटेड टू प्ले फर्दर इन डिफीटेड और लूज। यहां पर कहने का मतलब है ये एक तरह का ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें कि जो टीम लगातार जीतती रहती है वो टूर्नामेंट में बनी रहती है और हारने वाली टीम या लूज करने वाली टीम उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। अब यहां पे देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। फर्स्ट है इकोनॉमिकल टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में जो इकोनॉमी है, फाइनेंशियल, बहुत ही कम खर्च होता है। सेकेंड है लेस टाइम, बहुत ही कम समय में ये खत्म हो जाता है, नंबर ऑफ टीम के ऊपर डिपेंड होता है। थर्ड है लेस ट्राइडनेस, प्लेयर को इस तरह के टूर्नामेंट में थकान या जो स्ट्रेस होता है वो बहुत कम होता है। फोर्थ है स्पेक्टेटर्स इंटरेस्ट, इसमें दर्शकों को इंटरेस्ट रहता है। फिफ्थ है इसमें इजी टू कंडक्ट, मतलब इसको कराने में बहुत ही आसानी होती है। अब इसकी डीमेरिट या डिसएडवांटेज देखें तो गुड टीम में गेट एलिमिनेटेड, कभी कभी नॉकआउट टूर्नामेंट में अच्छी टीम अर्लियर राउंड में ही बाहर हो जाती है, जिससे कि उसमें टूर्नामेंट का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, स्पेक्टेटर्स की संख्या कम होने लगती है, इस तरह के इसमें डीमेरिट्स हैं। सेकेंड है स्किल्ड सेलेक्शन नॉट पॉसिबल, ये टूर्नामेंट मतलब कि बहुत ही कम समय में होता है और इसमें प्लेयर्स अपनी जितनी भी स्किल है उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सिलेक्शन में उनको आसानी नहीं होती है। थर्ड है इसमें हाई स्ट्रेस ऑफ प्लेयर, इसमें प्लेयर के ऊपर अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जिसके कारण ये टूर्नामेंट उन प्लेयरों के लिए डिसएडवांटेज देते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हम होमवर्क देखते हैं। फर्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फिक्स्चर, आप फिक्स्चर से क्या समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट डाउन द वेरियस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, जो टूर्नामेंट के टाइप बताए गए हैं उनको लिखिए। थर्ड है व्हाट इज टूर्नामेंट, टूर्नामेंट क्या होता है इसकी मीनिंग लिखनी है। फोर्थ है एक्सप्लेन नॉकआउट टूर्नामेंट एंड हाईलाइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। थैंक यू वेरी मच।